करो जी करो, बिल्कुल ओके, रिपोर्ट ओके, रेडी, मूड है पूरा पूरा मूड है, जो बोलेंगे दिल से बोले, टेंशन नहीं, शुरू करो बस, रेडी रोलिंग एंड एक्शन। तो दोस्तों, मैं आपका चरणजीत सिंह चहल आपके सामने दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया आपके लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है और एंटरटेनमेंट के साथ। तो आज का टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही फनी टॉपिक है। कॉज ये फनी इस करके, कॉज लोग ही ऐसे फनी आते हैं जिम्स के अंदर जिनका बॉडी बनाने का पर्पस ही कुछ और है। जिम में आपके पास कोई आता है, जैसे कोई नया लड़का आया है, लड़की आई है, तो कोई लड़का आया जिम, वो आगे आपका पूछेगा अभी सर मैंने तो बॉडी बनानी है। वो ऐसा सोचते हैं मैं जिम आ गए तो बॉडी बन गई, बस तो बस ये अंदर मैं ये गेट से अंदर एंटर हुआ, थंब प्रिंट लगा के अपना, और मेरी बॉडी बन गई कि बस मैं तो तैयार हो गया, अभी मैं जो सोच के आया था मैं वो बन गया, मेरे को जरूरत नहीं है कुछ करने की। तो जैसे आपके सामने आ गया तो अब मेरा क्या काम है, तो मैं सबसे पहले बंदे को एनालिसिस करता हूँ मैं उसका भी, तो करना क्या चाहता है भाई, मतलब कि भी हर एक चीज़ का नहीं कोई गोल होता है यार, जब आदमी कुछ करना चाहे है ना लाइफ के अंदर तो भी तो क्यों, मतलब तो एक लड़का आया मेरे पास ऐसे कॉलेज की, मतलब अभी नया नया बेचारा फर्स्ट ईयर में हो, प्लस टू पास आउट है ना, सर मेरी बॉडी बना दो, बस बना दो किसी तरह बना दो। मैं कहा यार किसी तरह तो मैं नहीं बना सकता, तो मैं कहा बनाने तो तुझे खुद ही पड़ेगी, पर मुझे इसका पर्पस बता बनाने का। कहता सर मैंने कॉलेज जाना, मुझे लड़कियां देखती, मुझे बड़ा ही मैं अच्छा लगना चाहता हूँ कि मेरे से सारे बात करें। मैं कहा चल ये अच्छी बात है, अभी तू बॉडी बनाना चाहता है ना, पर मैं कहा ये कोई बात नहीं भी तेरे से हर कोई आगे बात करे या तू लड़कियों के लिए स्पेशल बॉडी बना रहा है। बॉडी बनाना है यार एक आर्ट है, है ना, एक पूजा है जो एक इंसान अपने शरीर की करता है, बहुत मेहनत है उसके लिए करनी, तो एक उसका पर्पस होता है वो बनाने का। तो अब लोग जो हैं बातें करने लगेंगे, अब लड़कियाँ आएंगी जिम में, सर बॉडी हमने पतला होना, बस किसी तरह पतला होना भी, यार पतला तो आप खुद होगे ना, मैं तो आपको बता सकता हूँ, खाना आपने छोड़ना नहीं है। वीकेंड पे तो मैंने कितनी बार लोगों को पकड़ा यार गोलगप्पे खाते हुए, यार चाट पापड़ी खा रहे, उसको मुंह छुपा रहे हैं मेरे को देख के, यार अब जब मैंने देख लिया तो मुंह क्यों छुपा रहे यार। तो ऐसे से लोग आपको बहुत मिलेंगे फनी, पर यह कि मैं आज आपको रियल एक चीज़ में भी लेके जाना चाहता हूँ कि भी है क्या चीज़ वो, बेसिकली बॉडी बनाना। अब मेरे को लोग देखते हैं, वी आर यू हैव ह्यूज आर्म्स, इतनी बड़ी बड़ी आर्म्स आपकी, इतना अच्छा ट्राइसेप है आपका, है ना, थाइस आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी लुक कितनी अच्छी, आपके टैटू कितने अच्छे लग रहे हैं। यार मैं वैसा बना हूँ कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें, मैंने मेहनत की है उसके लिए, 12 साल हो गए यार मुझे करते हुए ये चीज़ को। एक आया हरियाणवी भाई साहब हमारे जिम में, तो भाई साहब अपने जैसा डोड़ा बना दो। मैं कहा भाई डोड़ा तो बना देंगे भाई तेरा, अब ऐसे करेगा तो बन जाएगा, करना क्या तेरा भाई, भीतर दो जनों को लूंगा इसके भी, अब तू बॉडी क्या लोगों को मारने के लिए बना रहा है, ये क्या बात हुई। तो ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, सर ऐसा थाई बनवा दो अपना। मैं कहा क्या करना, कह रहा गोडे थले लोग लेने हैं पंजाबी जो, अपने पंजाबी बंदे कह रहे गोडे थले लोग ही लेने अपने, तू गोडिया थले उन्होंने लैके उन्होंने मारना भी, तुम यार बॉडी अपनी गुड लुकिंग के लिए बना रहे हो, लोगों को थोड़ा ना। एक आया करा सर इतना डोला होना अगर मेरा हाथ करा, मैं लोगों के चाटे मारोगे मेरे साथ से निकल जाए तो भी ये क्या बात हुई। तो बड़े जी जी से आपको लोग मिलेंगे जिनकी मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ही बहुत अच्छा है, मतलब आपका एंटरटेनमेंट होता है पूरा जिम में भी, आप अगर जिम चले गए ना तो एक्सरसाइज के साथ 2 घंटे टाइम पास होएगा आपका पूरा। तो मैं आपको बताऊँ रियलिस्टिक चीज़ें क्या है इसके अंदर, कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो ना यार, वो किसी एम के लिए होती है। अब जैसे मैं हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देता हूँ लोगों को, आई लव दिस गेम, तो मैंने अपने प्रोफेशन को अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो मेरा काम है ये, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम देता हूँ तो ही मैं इसमें आगे जा पा रहा हूँ ना। तो ऐसे ही लोगों को करना चाहिए कि जब आपका कोई टारगेट हो तो उस टारगेट को फोकस करो। तो एक बॉडी बनाना भी एक फोकस है, एक आपका आर्ट है जिसको आपको फोकस करके करना चाहिए भी। आप किसके लिए ये चीज़ करने लगे हो, कॉज इसके अंदर एक आपका टाइम भी लगेगा, आपका पैसा लगेगा, सब कुछ आपका डेडिकेशन होगी आपकी, फोकस है आपका, दिमाग है सारे दिन का, और आपका जो बाकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, बेसिकली स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज करना आपके लिए। आज के टाइम में सुनो कितनी टेंशन है, पर जो जिम में आते हैं, अब मैं जब जिम में जाता हूँ मैं स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, तो मेरे को मैं एक्सरसाइज करता हूँ, हैवी वेट्स भी लगाता हूँ, है ना, दैट्स वाई पीपल कॉल मी बीच ना, लोगों ने मुझे देखा लगाते हुए यार, बहुत हैवी लगाता हूँ वेट। तो उसके बाद वेट लगाते हुए फिर मुझे ऐसे बंदे भी मिल जाते हैं जो थप्पड़ मार रहे हैं लोगों के, तो मेरा तो बहुत बहुत अच्छा टाइम पास होता है
वहाँ पे बस उनके साथ उनके पास तो जो बातें हैं ना वो बहुत ही निराली हैं, तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते भी वो ऐसी बात भी कर सकते हैं आपके साथ, तो लोगों का माइंड ही बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि भी जब भी आप कोई बॉडी बना रहा है या कुछ कर रहा है उसका एक गोल होता है बनाने का भी, हाँ भी मैं प्रेप करने लगा हूँ, मेरा 6 महीने के बाद कॉम्पिटिशन है यार, मेरे को अपने को वहाँ देखना है कि मैं अगर ए से शुरू कर रहा हूँ तो मैंने जी तक जाना है, ए टू जी जॉब की तैयारी है, मैंने इसको वहाँ से कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि आप बीच में उसको छोड़ दोगे कहीं या फिर कुछ और हो जाएगा, फिर अपने गोल से फोकस से हट रहे हो, तो उसको एक गोल को लेके चलो। ये नहीं कि 2-3 महीने किया, 1 महीने किया छोड़ दिया, 15 दिन आए जिम नहीं आ रहे, तो इसमें आपका शरीर नहीं बन सकता जो लोग सोचते हैं मैं जिम जाके बन जाएगा। इसके लिए भी आपको फोकस देना पड़ेगा जैसे आप अपने काम को देते हो। आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले पाते हो? नहीं ले पाते ना। आपको अपने बॉस को एक छुट्टी के लिए पता ही नहीं क्या क्या कहना पड़ता है, तब जाके आपको छुट्टी मिलती है कभी, यार भाई दे दे यार मेरे को मैरिज में जाना है या मेरे को कहीं जाना है। तो ऐसे है कि वहाँ फोकस करते हो ना सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है आपको, आपका घर चलता है, ऐसे ही ये चीज़ है। इसके लिए भी आपको फोकस चाहिए, फोकस करोगे तो बॉडी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी भाई। कोई ऐसा अवतार नहीं उतरा धरती जो आपकी बॉडी बना दे जब तक आप फोकस नहीं हो। थैंक यू सो मच, मेरा बस यही कहना था आपके लिए भी फोकस होना बहुत जरूरी है। और मैं रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का बहुत ही बहुत थैंकफुल हूँ जिनके थ्रू मैं आपके सामने वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल का लिंक नीचे है। थैंक यू सो मच।